जलाशय में खरपतवार बिन बुलाए मेहमान की तरह आती है, ये किसी काम की नहीं और हानिकारक भी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कावेंद्र चौहान। यूपी के सियासी तालाब में भी अचानक खरपतवार पैदा होती जा रही है, ये किसी काम की नहीं या किसी के काम की नहीं। सवाल दिलचस्प है, यदि ये किसी को हानि पहुंचाएगी तो जाहिर सी बात है कि किसी के लिए फायदेमंद भी होगी। आम आदमी पार्टी और AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी की यूपी में भी एंट्री देश की करवट लेती राजनीति का एक आईना है। उत्तर प्रदेश देश की सियासत की प्रयोगशाला है। जब देश में कांग्रेस का वर्चस्व था तो यूपी में दशकों कांग्रेस जमी रही। देश में कांग्रेस का डाउनफॉल हुआ तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सत्ता का मुंह देखने को तरस गई। करीब 3 दशक से यहां क्षेत्रीय दलों और भाजपा ने बारी बारी सत्ता का मजा चखा। लगभग 30 बरस बाद अब लोकतांत्रिक भारत की तीसरी पीढ़ी शायद सियासत का नया चेहरा देखेगी। बीजेपी और कांग्रेस के बाद क्षेत्रीय दलों का थर्ड फ्रंट बन चुका है और सत्ता भी हासिल कर चुका है। अब यूपी की सियासी प्रयोगशाला में चौथे मोर्चे की केमिस्ट्री तैयार हो रही है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के संग सुभाषपा, प्रसपा और अन्य छोटे दलों की एकजुटता कवायद और आम आदमी पार्टी की सटपटाहट कुछ ना कुछ रंग दिखा सकती है। बिना किसी मजबूत संगठन के अपने अपने छोटे छोटे घरों से निकलकर दूसरों के बड़े बड़े महलों में कदम ताल करने वाली ये सियासी ताकतें यूपी के सियासी तालाब का खरपतवार बन के कमल को घेरेंगे या इसका सुरक्षा कवच बनेंगे, ये एक बड़ी जिज्ञासा है। यूपी में ओवैसी और विभिन्न जातियों के छोटे छोटे दलों का मोर्चा क्या बसपा गठबंधन का हिस्सा बनेगा, ये बड़ा सवाल है। क्या आम आदमी पार्टी यूपी चर्चा और खर्चा के बाद सपा गठबंधन से 30-35 सीटों के लिए पर्चा भरेगी, ये जिज्ञासा भी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव रण के संखनाद के दिन गिन रही है। फिलहाल अभी उत्तर प्रदेश में सपा, बसपा और कांग्रेस जैसे विपक्षी दलों को स्पेस पर ओवैसी, आम आदमी पार्टी और अन्य छोटे दलों ने अतिक्रमण करना शुरू कर दिया है। यूपी की राजनीति में दमखम के साथ दाखिल हो रहे ये नए सियासी अवतार भाजपा के कमल को मुरझाने का काम करेंगे या खाद पानी देकर इसकी ताकत बढ़ाएंगे, ये देखना है। अलग अलग संभावनाएं और कयासों की बात की जाए तो कांग्रेस कमजोर और अलग थलग दिख रही है। बसपा यदि ओवैसी को साथ लेने के जोखिम में सफल होती है तो यह प्रयोग भारतीय सियासत को एक नई दिशा दे सकता है। यूपी में दलित मुस्लिम समाज एकजुट हो गया तो ये भाजपा के लिए तो घातक होगा ही, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी धराशायी हो जाएगी। हालांकि ऐसी संभावनाएं इसलिए कम है क्योंकि चुनाव में बसपा सुप्रीमो द्वारा अधिक मुस्लिम उम्मीदवार उतारने का बुरा अंजाम हो चुका है। भाजपा द्वारा दलित समाज को यह समझाना और भी आसान हो गया था कि बसपा में मुस्लिम तुष्टीकरण का बोलबाला है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बयान दे चुके हैं कि वो बड़े दलों से गठबंधन बिल्कुल नहीं करेंगे। यदि सपा ने आम आदमी पार्टी के लिए 30-35 सीटें छोड़ दी तो ये केमिस्ट्री भाजपा के लिए खतरा बन सकती है क्योंकि फ्री बिजली जो है और बेहतर स्कूल का दिल्ली मॉडल जनता को प्रभावित करता दिख रहा है। भाजपा से नाराज शहरी वोटर आम आदमी पार्टी को विकल्प के तौर पर स्वीकार कर सकता है। यूपी के विधानसभा चुनाव से करीब 1 वर्ष पहले इन तमाम कयासों और संभावनाओं में ये तो तय है कि करीब 30 वर्ष पुराना यूपी का पारंपरिक पैटर्न बदलता दिख रहा है। धन्यवाद।